हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जहां डीजीपी ने साइबर अपराध और ट्रैफिक की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, यातायात और ड्रग्स को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध को लेकर राज्य में पुलिस बेहतर कार्य कर रही है। राजस्थान, हरियाणा और झारखंड से कई साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रैफिक को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है और अगर कहीं भी क्षेत्र में जाम लगता है तो संबंधित कोतवाल और थाना अध्यक्ष पर कार्यवाही की जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। उन्होंने लोगों से भी साइबर फ्रॉड होने पर सीधे उसकी जानकारी पुलिस से लेने की अपील की। पूछ रहा हूँ सर, नशे को लेकर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अधिकारियों को कि नशा किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, नशे को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ हमें जन जागरूकता पे जोर देना है और दूसरी तरफ हमें एनफोर्समेंट पे जोर देना है जी। और वो हमारा जारी है। एनफोर्समेंट के लिए सप्लाई चेन में जो लोग उसे आगे पीछे जुड़े उनको भी हम अभियुक्त बना रहे हैं और बड़ी मात्रा में हमने रिकवरियाँ की हैं जी। और हमने ये भी सख्त नशे किया कि अगर कोई पुलिसकर्मी नहीं जुड़ पाता उसको भी देख लिया। सर, बच्चे नशे की तरफ ना जाएं इसके लिए पुलिस की तरफ से कोई मुहिम चलाई जाएगी? 4 साल से चलाई, लेकिन लेकिन कायदे भी लगातार जनपद हर जनपद में हमारी पहुँच चलती है। अगर बिक रहा है तो गलत है। सर, सबसे बड़ा बोला हल्द्वानी सबसे बड़ा थाना है बलमनपुरा, उसी एरिया में सबसे ज़्यादा सर इसमें जरा सा धंधा हो रहा है। जरूर दिखाएंगे।